सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट आपके लिए एमएस वर्ड की एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे क्लोज एंड एग्जिट के बीच का डिफरेंस। क्लोज और फीचर और एग्जिट फीचर में क्या फ़र्क होता है, आज इस वीडियो में हम आज ये सीखेंगे। सो व्यूअर्स, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फाइल कैसे ओपन करते हैं? लाइक टू स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 फाइल इज ओपन। सो व्यूअर्स, आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में एक फाइल बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। तो हम उसे ओपन करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। आपको थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, वैसे इसकी शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस ओ। आप देखें 2007 में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, वहाँ ऊपर एक ऑफिस बटन होता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर हम ओपन पे क्लिक करेंगे। हमारी फाइल वो डेस्कटॉप पे सेव थी, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल के नाम से। सी, वही फाइल अब हमारी ओपन हो चुकी है। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। जो 2010 व्यूअर्स है उनके होम के साथ में फाइल का बटन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो उसके अंदर सेम आएंगे। तो डोंट बी पैनिक कि वो फीचर हमें कहाँ मिलेगा। होम के साथ में फाइल का एक रिबन में ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी वही फीचर्स वगैरह 2010 में आ जाएंगे जो 7 में है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बता रहा था कि आज क्लोज एंड एग्जिट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे हमने ये इसको हमने कलर कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया इसका। आप जब हम ऑफिस बटन पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज लिखा आ रहा है। हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। क्या आप दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल के अंदर चेंजेस सेव करना चाहते हो? अगर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए होते तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होता, तो ये फाइल सीधी क्लोज हो जाती है। जो सिस्टम होता है वो हमसे पूछता है कि अगर आपने कोई चेंजेस करे हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूछेगा कि आपको चेंजेस सेव करने हैं या नहीं। मैं कहता हूँ यस, मैं वो करने हैं। तो आप देख रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल है वो तो खुली हुई है, जो अंदर की डॉक्यूमेंट है बस वो क्लोज हुई है। आप समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल है वो अभी भी ओपन है, लेकिन जो अंदर की डॉक्यूमेंट है ओनली वो क्लोज हुई है। तो हम ऑफिस बटन में दोबारा जाएंगे, हम ओपन करेंगे उसी फाइल को दोबारा। अब आपको दिखाऊंगा तो जो हमने सेव चेंजेस किए ना वो दोबारा दिखेंगे आपको। सी, आई एम सौरभ गोयल, माइनस का फॉन्ट चेंज किया था, ये अभी भी फॉन्ट चेंज है। मीन्स हमारी वही फाइल खुली है जिसका हमने फॉन्ट चेंज किया था, मतलब हमारी फाइल वो सेव हुई थी उस टाइम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा एग्जिट बटन के बारे में। एग्जिट बटन क्या करता है, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल है वो पूरी की पूरी क्लोज कर देता है, पूरी की पूरी। क्लोज बटन क्या करता है, फाइल तो ओपन रहता था लेकिन डॉक्यूमेंट क्लोज करता था जो अंदर का हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी फाइल बंद रहती। आप देख रहे हैं ये एग्जिट बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल बंद हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रीओपन कर देते हैं। क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल ओपन करनी है। जैसे हमारी फाइल ओपन हुई तो हमारी जो फाइल सेव थी हमें उसे ओपन करनी है। कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट है, शॉर्टकट की है। देखिए, मैं आपको इलैबोरेट करने के लिए इसको ऑफिस बटन पर जाकर दोबारा बार बार दिखाता हूँ, जिससे आपको सफिशेंटली अच्छे तरीके से पेशेंसफुल समझ आ जाए कि हम क्या समझाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, और उनकी सहूलियत के लिए हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारी फाइल थी उसमें क्लोज और एग्जिट का फीचर, आई थिंक यू गॉट इट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिट का बटन लिखा आ रहा है, ये क्लोज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, और ये क्लोज, नाम सेम है लेकिन दोनों के फीचर्स अलग हैं। यही देखो, अब हम इसके ऊपर ड्रैग माउस पॉइंटर देते हैं तो यहाँ पे भी क्लोज लिखा आ रहा है
और यहाँ पे भी क्लोज करेगा। ऑफिस बटन में जो क्लोज का बटन होता है वो ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज करता है, लेकिन ये वाला क्लोज पूरी की पूरी फाइल क्लोज। आप देख रहे हैं जब हम ऑफिस बटन पे जाते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है एग्जिट वर्ड। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी फाइल बंद हो गई, एज इट इज़ इक्वल टू सेम है उस वाले ऑप्शन की तरह, लेकिन दोनों क्लोज बटन है। इसलिए आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एग्जिट बटन दोबारा बताया आपको कि एग्जिट बटन का फीचर क्या होता है। जो मैंने वीडियो में आपको शुरुआत बताते थे कि हम डिफरेंस बताएंगे एग्जिट और क्लोज बटन का, जो फीचर है जो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था उसके रिगार्डिंग जो मैं बताना था, वो इसलिए मैंने एग्जिट बटन पर क्लिक करे जिससे वो फाइल बंद हो जाए। हम दोबारा ओपन करते हैं और प्रोग्राम ऑफिस, हमारी फाइल ओपन हो गई, हमारे डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सी हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल गई। तो आई थिंक व्यूअर्स की आपको जो मैंने आज वीडियो में सिखाया वो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट बटन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे मैं आगे थोड़ा आएगा, तो थोड़ा मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ थोड़ा मोटिवेट होके और वीडियो बना सकूँ। आई थिंक यू गॉट इट। सो व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।